नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। टीवी से लेकर बॉलीवुड में अपना मार्क छोड़ने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ आज भी अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। जानिए टीवी हार्ट थ्रोब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी का एक ऐसा नाम जिसे आज भी फैंस नहीं भुला पाए हैं। साल 2021 सिद्धार्थ के परिवार के लिए तो जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल उनके फैंस और शहनाज गिल के लिए था। 2 सितंबर 2021 में टीवी के हार्ट थ्रॉब सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से बॉलीवुड सहित पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। एक साल बाद भी जब सोशल मीडिया पर लोग सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी कोई पोस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर आज हम उनके करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। बतौर मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला ने की थी अपनी करियर की शुरुआत। हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता अशोक शुक्ला सिविल इंजीनियर थे और माँ हाउसवाइफ है। जब सिद्धार्थ शुक्ला मॉडलिंग करते थे उस दौरान ही लंग्स खराब होने की वजह से उनके पिता का निधन हो गया था और माँ और दो बहनें और पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ के कंधों पर आ गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2004 में मॉडलिंग करियर शुरू किया था और साल 2005 में उन्होंने तुर्की में हुए मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और पूरी दुनिया भर में 40 मॉडल्स को हराकर उन्होंने बेस्ट मॉडल का खिताब जीता। बेस्ट मॉडल का खिताब जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी में नहीं बल्कि एड शूट से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बजाज एवरेस्ट और ICICI के लिए एड शूट किया। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के इला अरुण द्वारा गाए गए गाने रेशम का रुमाल में भी एक्ट किया। इसके बाद साल 2008 में सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला शो बाबुल का आंगन छूटे ना था, जिसमें उन्होंने शुभ रानावत का किरदार निभाया था। इस किरदार के बाद वह कई सीरियल में नजर आए। उन्हें टीवी पर असली पहचान सीरियल बालिका वधू से मिली। इस शो में उन्होंने शिवराज शेखर का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने दिल से दिल तक में भी काम किया, जिसमें उनकी और रश्मि देसाई की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। टीवी के अलावा फिल्मों और वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी के अलावा कई रियलिटी शोज भी किए और शो होस्ट भी किए। सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2014 में रिलीज हुई वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टार फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अंगद का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस इन कजाकिस्तान फिल्म में भी काम किया। टीवी और फिल्मों के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में नजर आए थे। इस सीरीज को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। इन सब के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे शोज भी जीते। शहनाज गिल के साथ फैंस ने पसंद की उनकी जोड़ी। सिद्धार्थ शुक्ला का बिग बॉस 13 मील का पत्थर साबित हुआ। शो में सिर्फ सिद्धार्थ के वन लाइनर्स को ही फैंस ने पसंद नहीं किया, बल्कि उनके एंग्री यंग मैन एटीट्यूड ने भी लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। सिद्धार्थ शुक्ला ने न सिर्फ बिग बॉस 13 के शो की ट्रॉफी जीती, बल्कि इसी शो में उनकी मुलाकात शहनाज गिल से हुई। उन दोनों की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि फैंस ने उनके नाम को मिलाकर सिडनास का नाम दे दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने आज शहनाज गिल को काफी अंदर से तोड़ दिया था, जिसके बाद हमेशा मुस्कुराने वाली शहनाज ने मीडिया से ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। हालांकि अब शहनाज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और एक से एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। आज भी कई मौके पर वह सिद्धार्थ को याद करती दिखाई देती हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।